अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिबगिंग। डिबगिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने लेक्चर नंबर 4 डिबगिंग का देखा है, जिसमें हमने इसकी जो है वो सिर्फ थ्योरी डिस्कस की है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ द प्रोसेस ऑफ डिबगिंग रन्स। ठीक है, तो अगर हम पाइथन आइडियली शेल की बात करें और इसमें हम अगर रन करना चाहें अपने डीबगर को, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडियली शेल में आपके पास ऊपर एक डीबग का ऑप्शन होता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर डीबगर पर क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाता है जनाब, डीबग ऑन हो जाता है। ठीक है, जब हमारे पास ये डीबग टर्न ऑन हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, अपने किसी भी प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। लाइक आई हैव अ प्रोग्राम ऑफ दिस एंड आई एम गोइंग टू रन दिस। ठीक है, अब जब मैं इसे रन करती हूँ तो मेरे इस डिबगर में क्या होता है कि जनाब लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें जो है वो इसकी चेक की जाएंगी। ओके गाइस, तो हम देखते हैं अपने डिबगर को। तो हमारा डिबगर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मैंने यहाँ पर जो है वो एक अदद प्रोग्राम रन किया है। जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगी तो होगा क्या कि मेरा डीबगर जो है वो स्टार्ट होगा और ये स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर जो आप स्टेप का ऑप्शन देख रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे स्टेप्स को चेक करता जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक स्टेप जो है वो चेक होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सोर्स पर क्लिक करती हूँ तो मुझे इस स्टेप की जो सोर्स फाइल है, यानी इसमें जो भी कमांड वगैरह मौजूद है उसका जो सोर्स फाइल है, वहाँ से आपको जो है वो सारी चीज़ें शो की जाएंगी। तो जैसे जैसे हमारा स्टेप आगे ज़्यादा जाएगा वैसे वैसे जो है ये डिफरेंट सोर्स फाइल आपको दिखाते जाएंगे, शो करते जाएंगे कि किस तरह से जो है वो सोर्स फाइल में यानी कमांड जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऑप्शन है। अगर मैं गो की बात करूँ तो गो जो है वो डायरेक्टली पूरे प्रोग्राम को जो है वो चेक आउट करता है। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं चेक करना चाहूँ तो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो दिखाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं ओवर करूँ या अगर मैं इसको आउट करूँ, आउट का मतलब है कि आपने डायरेक्टली जो है वो प्रोग्राम से आउट हो जाना है। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेप पर मौजूद हो, क्वाइट यानी पूरा जो है वो विंडो क्लोज हो जाएगा, यानी डिबगिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम चेक करते हैं तो एक एक करके जो है वो सारे स्टेप्स जो है वो चेक किए जाते हैं प्रोग्राम के, और जब ये सारे जो है वो स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर ये प्रोग्राम जो है वो एक एक करके रन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि हम किस तरह से जो है वो इसको देख सकते हैं। अगर मैं ग्लोबल्स पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपको ग्लोबल का भी एक अलग से टैब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो इसमें ये चेक करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं या नहीं, सोर्स जो है वो सोर्स फाइल कहाँ पर है, या आपको रन डॉट पी वाई की जो फाइल दिख रही है, यहाँ पर जो कमांड रन हो रहे हैं और उसकी जो पूरा जो आप ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरी है वो आपको शो करे कि कौन सी कमांड एक्चुअली कहाँ पर जो है वो लिंक करती है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर सोर्स पर से चेक हटाती हूँ तो मुझे ये सोर्स फाइल अब शो नहीं करेगा और स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोग्राम चेक होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम चेक होता जाएगा वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप ये फंक्शंस होते जाएंगे और आपके पास आउटपुट आते जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो दो आउटपुट मौजूद हैं। ठीक है, ये तीसरा आउटपुट आपके पास शो हुआ। फिर इसी तरह से आपके एक एक स्टेप, एक एक लाइन और एक एक चीज़ को जो है वो ये चेक करता जाएगा और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरा फॉर्मुलेशन इकट्ठे दिखाई देगा आउटपुट में। ठीक है, तो ये एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये रनिंग हो रही है डिबग की, जो कि हमारा आइडियली का डिबग है। ठीक है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरे पूरे कमांड्स और पूरे पूरे प्रोग्राम्स को चेक कर सकते हैं और चेक करके हम आउटपुट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर जो है वो कहानी ख़त्म हो गई तो आप देखें ये सारे ऑप्शंस आपके पास ऑफ हो गए, यानी इस पूरा प्रोग्राम जो था, ये वाला पूरा प्रोग्राम जो मेरा था, ये पूरा रन हो चुका है और ये पूरा चेक हो चुका है। और चेक होने के बाद इसको चूंकि मैंने रन का ऑप्शन स्टार्ट किया था तो दैट मीन्स कि इसका आपको आउटपुट भी शो होना था और ये स्टेप बाय स्टेप चेक होते होते जो है वो आपको साथ साथ एट द स्पॉट आउटपुट मिलते गया। तो दिस इज़ द वे टू यूज़ डिबगर इन आइडियली। आई होप कि ये आपको ईजिली समझ आया होगा। अगर हम डिबग के ऑप्शंस की बात करें तो ये तो आइडियली शेल के अंदर हम डिबगर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये है,
क्योंकि अभी हम बेसिक्स पाइथन की कवर कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम आइडियली शेल के डिबगर तक रहते हैं, और इंशाल्लाह जब हम बेसिक पाइथन से आगे अपने लेक्चर्स में आएंगे तो हम इंशाल्लाह पाइथन के डिबगर को, जो एक्चुअल डिबगर्स होते हैं पाइथन के, उनको भी हम रन करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से जो है वो उसमें स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।